जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे गजेंद्र मोक्ष कथा के बारे में। भगवान विष्णु अपने भक्तों को कष्टों में नहीं देख सकते, गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें यही बताती है। आइए जानें इस कथा और गजेंद्र मोक्ष श्रोतम के महत्व को। कहते हैं कार्तिक मास में अगर आप गजेंद्र मोक्ष श्रोतम का पाठ नियमित रूप से करते हैं तो बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में भी है। मान्यता है कि सूर्योदय से पूर्व प्रतिदिन पाठ करें तो बड़े से बड़ा कर्ज चुक जाता है। इसे कर्ज मुक्ति का अमोघ उपाय बताया गया है। वहीं गजेंद्र मोक्ष का चित्र घर में लगाने से आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। कथा के अनुसार क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का पर्वत था जिसके आसपास हाथियों का परिवार रहता था। गजेंद्र हाथी इसी परिवार का मुखिया था। एक दिन गजेंद्र उसी पर्वत पर अपने परिवार के साथ घूम रहा था। धूप के कारण उसे तथा उसके परिवार को प्यास लगी। तब वह अपने समूह के साथ पास के सरोवर में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। प्यास बुझाने के बाद वे सभी जल स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी समय एक मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैरों को अपने मुंह में दबोच लिया और गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहा। दर्द से गजेंद्र चीखने लगा। गजेंद्र की चीख सुनकर अन्य हाथी भी शोर करने लगे। उन्होंने भी गजेंद्र को बचाने का बहुत प्रयास किया परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। गजेंद्र जब सारे प्रयास करके थक गया और उसे अपना काल नज़दीक आता दिखाई देने लगा तब उसने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगा। जिसे सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आए और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को मारकर गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की और गजेंद्र को अपने साथ वैकुंठ ले गए। दरअसल पूर्व जन्म में गजेंद्र का नाम इंद्रदमन था। वह द्रविड़ देश का पांडवंशी राजा था। वह भगवान श्री हरि विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और सदा भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में ही लीन रहता था। उसने अपना राजपाट छोड़ दिया था और मलय पर्वत पर अपनी जटाएं बढ़ाकर तपस्वी के वेश में ही भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करता रहता था। एक दिन वहां से अगस्त्य मुनि गुजरे और उन्होंने राजा को आराधना में लीन देखा। अगस्त्य मुनि ने देखा कि राजन अपने प्रजा पालन, गृहस्थी और अतिथि सेवा आदि धर्म को छोड़कर तपस्वी की तरह रह रहा है। अतः वह राजा पर क्रोधित हुए और क्रोध में आकर उन्होंने राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने गुरुजनों से बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहे हो, अर्थात हाथी के समान जड़ बुद्धि हो गए हो। इसीलिए तुम्हें वही अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। इसके बाद ही दूसरे जन्म में श्री हरि विष्णु के परम भक्त राजा इंद्रदमन को आत्मा की विस्मृति कर देने वाली गजेंद्र हाथी की योनि प्राप्त हुई। परंतु सदा भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना में लीन होने के प्रभाव से हाथी होने पर भी उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की स्मृति हो ही गई और भगवान श्री हरि विष्णु ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपने लोक में स्थान दिया। इसके साथ ही यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आप सभी को मेरे द्वारा प्रस्तुत ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।